डियर विवर्स जो हमारी सराउंडिंग्स होती है इस पर बहुत सारी थिंग्स होती है इन थिंग्स को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंगस लिविंग थिंगस और द थिंग्स विच कैन ग्रो टेक फूड रिप्रोड्यूस एट्सट्रा एट्सट्रा नॉन लिविंग थिंगस और द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ग्रो विच डू नॉट टेक फूड विच डू नॉट रिप्रोड्यूस मगर एक बहुत मेजर डिफ्रेंस है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंगस जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है

लिविंग थिंग्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ के हिसाब से और कुछ साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकड़ आई से नहीं देख सकते हैं वी कॉल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया प्रोटोज़ोआ एल्गी फंगी इसी तरह हमारे पास एक माइक्रो एंटाइटी होती है दैट इज़ द वायरस। ये वायरस क्या होता है क्या ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है व्यूवर्स आज के इस सेशन में हम इसी वायरस के बारे में लर्न करेंगे दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वॉचिंग य फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला विवर्स जो वर्ड वायरस है ये एक लैटिन वर्ड है वायरस लैटिन वर्ड है और वायरस का मतलब होता है विनम और पॉइनस फ्लूड ये तो हो गई लिटरल मीनिंग ऑफ द वायरस अगर हम आप वायरस को डिफाइन करेंगे वायरस को डिफाइन करना ही एक बहुत बड़ी उलझन है तो आज हम वायरस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसको डिफाइन करेंगे ए वायरस इज ए सेलुलर देखो जो वर्ड ए सेलुलर है अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे ए सेलुलर तो इसकी मीनिंग बदल जाती है ये एक साथ जब आप लिखेंगे तो एक साथ लिखना है और पढ़ना भी एक साथ इट इज ए सेलुलर मीन्स विदाउट सेल इट इज सब माइक्रोस्कोपिक मीन्स इट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप एंटाइटी विच लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दिस इज द ट्रू एंड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वायरस द स्टडी ऑफ द वायरस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हुटडीज अबाउट दिस दिज वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजिस्ट व्यूवर्स आपके सपोर्ट के बगैर हमारी चैनल ग्रो नहीं कर सकती है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट दे अपनी दे अपनी कोऑपरेशन दे दे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें नाउ हु डिस्कवर्ड वायरस वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट दिमित्री एवेनोस्क इन 1892 तो उसने एक फिल्ट्रेट लिया था टोबेको मोजिक वायरस का तो उसमें उसने एक देखा छोटा सा एक एजेंट होता है स्मॉलर दें द दे बैक्टीरिया मगर उसने उसका नाम वायरस नहीं रखा था बाद में आ गए एम डब्ल्यू बेजरिंग बेजरिंक इन 1898 एट उसने उस फिल्ट्रेट को बोला कॉन्टीजियम, विवम फिलूडम एंड ही नेम्ड इट द वायरस इस फिल्ट्रेट को उसने नाम रखा था जो उसने फिल्ट्रेट से निकाला था उसको बोला था कॉन्टीजियम विवम फिलूडम और उसने वायरस नाम रखा जो नेम वायरस है इट वॉज कॉनड बाई द मोर्टिनस विलम बेजरिंग या सिम्पली एम डब्ल्यू बेजरिंग ही इज नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी वैंडल सिटेनली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिस्टलाइज वायरस उसने सॉलिड क्रिस्टल्स बनाए थे इस वायरस के किस वायरस के टी एम वी वायरस मीनज टोबेको मोजेक वायरस इन नाइनटीन थर्टी जो पहला ह्यूमन वायरस डिस्कवर किया गया था वो था येलो फीवर वायरस and it was discovered by physician Walter Reed in 1901 mimi virus is the largest and most complex virus the smallest virus is porcine circovirus with size of only 17 nanometers now let us learn about the structure of a virus Rivers जो वायरस होता है वायरस दो पार्ट्स का बना होता है इसमें सेल नहीं होती है इसमें सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं एक होता है इसका सेंट्रल पार्ट जिसको कहते हैं हम जुनूम ऑफ ए वायरस और न्यूक्लिक एसिड ऑफ या जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं हम ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का या तो डीएनए का बना होता है जिसका फुल फॉर्म है डी ऑक्जी राइबो न्यूक्लिक एसिड या आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड नॉट बोथ दो में से एक होगा कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनमें डी एन ए होता है न्यूक्लिक एसिड और कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनमें आर एन ए होता है. दोनों नहीं होंगे और इसको बाहर से एक प्रोटीन की कोटिंग होती है इस प्रोटीन को कहते हैं हम कैप्सिड बस यही दो पार्ट्स होते हैं वायरस के एक इसका न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड वन इज कैप्सिड विच इज ए प्रोटीन कोट तो वायरस के दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल कोर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स डीएनए और आरएनए एंड अ कवरिंग दैट इज नोन एज कैप्सिड Capsid is simply protein that and protects सिंपली प्रोटीन कोड दैट एनकोलोज एंड प्रोटेक्ट accounts वायरस इट of फॉर मोस्ट ऑफ It इज composed ऑफ सिंगल और मल्टीपल proteins. हर एक सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर्स देखिए आप यहां पे ये छोटे छोटे बाल्स यहाँ पे देखते हैं आपको हर एक यूनिट ये प्रोटीन बॉल्स है प्रोटीन कोर्स है हर एक सब यूनिट को कहते हैं हम कैप्सू क्याप्सु, कैप्सोमर्स कैप्सोमर्स और द सब यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए कैप्सिड अच्छा जो कैप्सिड टुगेदर विद द न्यूक्लिक अगर हम दोनों को नहीं उसको कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड अलबत्ता कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जैसे वायरल एनवलप होते हैं कुछ वायरस में मेड अप ऑफ लिपिड्स लाइक सेल मेम्ब्रेन सराउंड कैप्सिड ये कुछ वायरस में होता है और कुछ वायरस में ऐसे होते हैं उनमें होते हैं स्पाइक्स मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीनस दे आर यूज टू अटैच सेल्स ये भी कुछ वायरस में होते हैं नाउ व्यूअर्स जो वायरस होता है वायरस कमज इन ए वायटी ऑफ शेप्स जैसे हेलिकल हो सकता है स्पायरल हो सकता है जैसे इबोला वायरस या पॉलीहेड्रल शेप हो सकती है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या कंप्लेक्स शेप हो सकती है जैसे बैक्टीरियोफेज ये हो गया स्पायरल ये हो गया बैक्टीरियोफेज तो जो बैक्टीरियो होते हैं ये कम्प्लेक्स वायरस होते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर हेड होता है प्रॉपर टेल होता है और इनमें वायरल एनवलप भी होता है और उनमें स्पार्कि भी होती है तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है बैक्टीरियोफेज। नाउ व्हाट आर बैक्टीरियो व्यूअर्स वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को या सिंपली कहेंगे द वायरसेस दैट इन्फेक्ट किल और अटैक बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल्स और कॉल्ड बैक्टीरियोफेज विच मीन्स बैक्टीरिया ईटर्स लिटरली इसका मीनिंग है बैक्टीरिया ईटर्स ये साइज़ में बड़े होते हैं और थोड़ा कंप्लेक्स वायरस होते हैं विद ए करेक्टिस हैड ऐसे हेड इसमें होता है टेल इसमें होता है स्पाइक्स होते हैं तो ये बैक्टीरिया फीस के बारे में कुछ जानकारी हुई नाउ जो वायरस होते हैं, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हाउ डू दे मल्टीप्लाई हाउ डू दे रिप्रोड्यूस हाउ डू दे रेप्लिकेट हम तीनों टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस या रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस तीनों ठीक है वायरल रेप्लिकेशन इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस इन द टारगेट होस्ट सेल्स अगर वायरस को मल्टीप्लाई होना है रेप्लिकेट होना है इसके लिए ज़रूरी है ये किसी लिविंग सेल के अंदर पेंट्रेट करे घुस जाए तब यह नए वायरस बना सकता है और इस वायरल रेप्लिकेशन के लिए इसके पास दो प्रोसेस होती है एक होता है लाइटिक साइकिल दूसरा होता है लाइसोजीनिक साइकिल कुछ वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं यूजिंग बहुत मैथड्स और कुछ ऐसे होते हैं वो सिर्फ लाइट साइकिल पे डिपेंडेंट होते हैं या इस्तेमाल करते हैं जो वायरस होते हैं दे आर ओब्लिकेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट मीनस दे के नॉट कंप्लीट आर लाइफ विदाउट द होस्ट दे एंटर इनसाइड द सेल्स एंड एक्ट एज ए पैरासाइट्स देयर एंड रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस न्यू वायरस हर एक वायरस के पास रेंज ऑफ होस्ट होते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट दैट इट कैन इन्फेक्ट वन एस ए वायरल जुनूम हैज एंटर्ड ए सेल द सेल बिगिन टू मैन्युफैक्चर वायरल प्रोटीन्स। और जो वायरस होता है जिस सेल के अंदर जिस होस्ट के सेल पे ये घुस जाता है उस सेल के जो एंजाइम्स होते हैं राइबोसोम्स होते हैं ट्रांसफ़र आर होते हैं एमाइनो एसिड होते हैं ए होता है या बाकी मॉलिकल इनको ये इस्तेमाल करता है और उसी से ये नए वायरस बनाता है वायरल एसिड मॉलिक्यूल्स एंड कैप्सोमर्स स्पोटेनियसली सेल्फ असेंबल इनटू न्यू वायरस तो हमारे पास दो साइकल्स है एक है लाइसोजेनिक साइकिल दूसरा है लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल रेप्लिकेट द फेज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल इसमें जो होस्ट सेल वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है क्योंकि जो वायरल डीएनए होता है वो शामिल हो जाता है इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द होस्ट सेल्स क्रोमोजोम दिस इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए इज नोन एज प्रोफेज हर बार जब होस्ट सेल डिवाइड होता है इट कॉपीज द फेज डी एन एंड पासज द कॉपीज टू डॉट नाउ सेकंड वन इज लाइटिक साइकिल लाइटिक साइकिल इज अ फेज साइकिल दैट कलमिनेट्स इन द डेथ ऑफ अ होस्ट सेल द लाइटिक साइकिल प्रोड्यूस न्यू फेजस एंड लाइसिस ब्रेक्स ओपन द होस्ट सेल वॉल्स रिलीजिंग द प्रोजीन इसमें सेल डिस्ट्रॉय होती है सेल वॉल को ब्रेक करता है फिर वो नए ना, वायरसेस रिलीज करता है ए फेज दैट रिप्रोड्यूट ओनली बाय द लाइटिक साइकिल इज कॉल्ड वायरलेंट फेज बैक्टीरिया हैव डिफेंसेस अगेंस्ट फेजस इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज एंड कट सर्टेन फेज डीएनए तो जो वायर रेप्लिकेशन होती है इसके दो टाइप्स होते हैं लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो लाइटिक साइकिल है इट इंक्लूड्स फाइव स्टेप्स कुछ छः भी लिखते हैं सात भी लिखते हैं फर्स्ट वन इज अटैचमेंट पेनिट्रेशन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मैचोरेशन रिलीज ऑफ न्यू वेरियंट्स देखिए सबसे पहले अटैचमेंट या एब्जॉर्बशन जो वायरस आता है ये सेल होस्ट सेल पे अटैच हो जाता है एबजॉर्ब बाइंड हो जाता है जिसको कहते हैं अटैचमेंट या एबज़ॉर्बेशन उसके बाद ये जो वायरस है ये सेल के अंदर घुस जाता है जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन और इंजेक्शन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स ये सेल के अंदर उस सेल के होस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके नए प्रोटीन्स बनाता है न्यूक्लिक एसिड बनाता है फिर इनको ये असम्बल करता है और फाइनली इनको ये रिलीज करता है सो वायरस ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इन साइड द लिविंग सेल्स दे और इनएक्टिव और दे डू नॉट ग्रो आउटसाइड द लिविंग सेल्स तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया ये मैंने यहाँ पे लिखी अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते फर्स्ट अनकोटिंग ट्रांसक्रपशन जिनूम रेपलिकेशानसलेशन वसम्बली वैर रिलीज ये सारे स्टेप्स जो इसमें वाइरस शो बो ऑफ़ लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। फॉर दिस रीजन वायरस कैन कन्सडर एट दॉटर लाइन ऑफ़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग करटर्स कौन कौन से है? ये यहल्ज

नाव वाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस? ये आप चार्ट देख सकते हैं इनमें जेनेटिक मटीरियल होता है लिविंग करेक्टर लैक सेलुलर स्ट्रक्चर नॉन लिविंग करेक्टर प्रजेंस ऑफ आउटर प्रोटीन कोट, लिविंग डू नॉट रेस्पायर नॉन लिविंग कैन रिप्लिकेट इन साइड लिविंग सेल्स लिविंग करेक्टर डू नॉट मूव एंड ग्रो इन फ्री एटमोस्फेयर नॉन लिविंग करेक्टर Cause infectious diseases, can be crystallized and stored in bottle like chemicals, non living property, able to mutate, evolve, living property, do not have metabolic activity of their own, lack of enzymes activity, these are non living properties. So they are on the borderline of living and non living things. Now, classification of viruses. Virus बहुत तरीके से क्लासफाई कर सकते ऑन दियर ऑन द बेस ऑफ दियर मारोफोलॉजी साइज़ ऑफ वायरान टाइप ऑफ होस्ट डर्मोट्रोपिक न्यूरोट्रोपिक जूनोम कंपोजिशन बहुत तरीके से हम उनको क्लासफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस टेक्जोनमिक ग्रुप्स इनमें फ़ैमिली होती है सब फैमिली होती है जीनस होता है स्पीशीज़ होती है द नेम ऑफ वायरस फैमिलीज़ फैमली और इटिलइज एंड इन लेट एन स्पीक्स वेरी डी देंरिकीस एंड इन दफिकस वायरस द स्पीशीज़ इंग्लिश कॉमन नेम्स तो इनकी हम क्लासीफाई क्लासीफिकेशन कर सकते हैं इनके टे ग्रुप्स होते हैं फैमिलीज़ होती है सब फैमिलीज़ होती है जीनस होता है स्पीशीज़ होती है हमारे पास इसमें देखिए आप डी एन ए वायरस डबल स्टैंडर्ड सिंगल फिर एनवल्पड नॉन एपड यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं इसी तरह और इन वायरसेस, सिंगल स्टैंड सिंगल स्टैंड नेगेटिव, सिंगल स्टैंड पॉजिटिव डबल स्टैंड इसके फिर एनवेल्पड नॉन एलोपड इनके एक्ज़ाम्पल्स वैक्टर बोर्न वायरस वक्टर्स और द इंसेट और एनिमल्स वी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनजम्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उनमें होता है सिंगल स्टेंडर्ड नगेटिव सेंस आर एन एंगल पॉजिटिव सेंस आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन एंड डी एन ए तो इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए है ना फाइनली वाट इज़ द इकोमिकपोर्टेंस ऑफ वायरस वायरस जो है सबसे पहला इसका इसके हार्मुल अफेक्ट्स भी है बेनिफिशल इफेक्ट्स भी है हारमपल इफेक्ट्स ये है इट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स जिससे इकोनॉमिक लॉस हो जाता है प्रॉब्लम्स हो जाती है और मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाता है तो ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है सबसे वो लोगों के भी ये डेथ भी हो जाती है जैसे हमारे पास आजकल कोरोना वायरस है उसने बहुत से लोगों की जान ले ली है अगर हम उसका देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव साइड ऑफ द वायरस या बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ ए वायरस वायरस और यूजड इन द प्रिपरेशन ऑफ वक्सन्स इसे बनाए जाते हैं डिफरेंट डिजीज सच एज जॉन्डिस पोक्स मम्पस एट्सट्रा एट्सट्रा आर सटन स्पेशल वायरसेस विच कंट्रोल द इन्वेजनेशन ऑफ सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमस g2 bacteriophage help us humans from the harmful effects of dysentery by destroying harmful bacteria such as e. coli. they are very useful laboratory agents. they are used in the genetic research and so they are an important subject in genetic engineering. they play an important role in the acquiring knowledge about the patient of evolution and the phenomena of development of living organisms as they have both living and non-living features. Due to the presence of both living and non living characters, they are used in the biotechnological research field. Bacteriophages are used in the preservation of water and they are capable of destroying bacteria and keeping the water fresh. Viruses play an important role in the treatment of cancer and also in gene therapy. They are used in the production of proteins. They are considered as the organic no, nanoparticles in the field of nanotechnology. They can also be used for biological warfare for human societies, or we can call them biological weapons. them in the wars. Viewers, finally, I have prepared some MCQs which are most likely to be asked in various competitive exams. आप उनको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन डिस्कवर्ड वायरस चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइनली आई हैव also प्रोवाइडेड आंसर की टू these questions। आप उनको अपने आंसर से टेली कर सकते हैं व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूवर्स आपके ताउन के बगैर हमारे चैनल ग्रो नहीं कर सकते हैं इसलिए हम एक बार आपको दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो थैंक यू अगेन फॉर योर फ्रेशस टाइम सी यून द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन गुड बाई